एक बात लेके चला था, अगर सुनो करा दवा मांग ले भैया दीदी, देखा मैं पहले बैठे ना बोल के नहीं मेरे सकत रहो, लमा के शुरू दिन दया मांगे और दूसरा पहला दिन दया मांगे लमा के, एक बार फिर तीसरा दिन फिर तनिक बैठे लागे फिर दया मांगे तो बोल के मोर तनि हल्का मरा लगी, तो मैं कह रहे दया नमन हर काम कर फिर जाता, तो फिर दूसरा दिन ही रखे तनिका बोल के दोहराए के बैठे, तो पर तीसरा दिन फिर पूरा गोर मत मैं दहिना पैर के बाया पैर में चढ़ा के बैठे भैया दीदी, तब मको विश्वास होगी कि अरे दया नमन हर काम कर फिर जाता, और दया माँ वही लगकर मांगे लागे तीन दिन मांगे कर बात फिर मोर फिर बढ़िया होगी सर दहिना पैर के बाया में चढ़ा के बैठना शुरू कर पथरी मोर के और बढ़िया मांगे लगे तब आ कर दया नमन काम कर जाता, चौथा पांचवा सत्रह दिन मांगे एक बात मोर जे ठंडा में बखा रहे और वो बखा कनेगी कने नहीं आए वही के लिए मुझे विश्वास होगी कि हाँ दया नमन चाचा तीन सूत्रों का अगर ध्यान माँ करे लागे तीन सूत्रों का पालन करे लागे एक बार फिर वो ठंडा जो रहे बढ़िया होगी, पहले में दया मांग रहे दूसरा में चाचा तीसरा में कर आठ बार कर नमन से जाप करे लागे आए वही दिल्ली में ठंडा कमर जो दर्द रहे आए वही दिल्ली के कहा वो समाएगी आए मैं कई दिन विश्वास करे की सुन को गुरु मांगने से कुछ नहीं है, कर्तव्य करने से बहुत कुछ है, कहे कि सुन गुरु बहुत इतना दयालु है कि पानी धार रखे दयालु साथ है, बाकी तीन सूत्र पर बारे समझ आई तो बहुत दया तरफ है सो गुरु, तो देखा भैया दीदी इतना मैं खुद विश्वास पहले मैं नहीं करता हूँ सीता गुरु रहेंगे तुम दो तीन साल फिर चाचा में जुड़े रहे वही लखे मैं सुखो की भाई एवं जुड़े भाई है तो कुछ तुम परेशानी का है दूर हो, बाकी ये फिर चाचा में भैया दीदी सोचने नहीं हो कर्तव्य करे से सुखल है, अगर कर्तव्य करे लगे तो मैं टोटल सारी जो भी कष्ट परेशानी आगे ना आए थे तीन सूत्र के बारे दया नमन करो से बहुत दुख हाल हो भैया दीदी, तो देखो यही देखे भैया दीदी देखा सब कोई जो मन में सोचत रहे वो दिल में महादेव शिव गुरु पूर्ति करे, कहे कि सोचते सोचते बहुत दिल में सोचत रहे कि हमके ये समान ढोलक मंजीरा डूबी झाल कमी है, देखा भैया दीदी मन में सोचते 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 फिर महादेव श्री गुरु देखा दया करेंगी आओ हमें जो स्वतंत्र मन में पूर्ति होगी ढोलक लिए आने और झान मंजीरा होगी झरनी होगी और देखा भैया दीदी सब कोई कर दया से आज श्री गुरु महादेव पर दया कृपा से देखा आज मैं भी सोचत रही कि मैं बढ़िया रहे तो प्रोग्राम बढ़िया से गुरु से के चाचा जमा के कर देखा भैया दीदी सबका श्री गुरु महादेव पर दया से और भैया दीदी के दया से दया कृपा से देखा महादेव मन में सोचत है यहाँ दिल में पूर्ति हो कर कह दी तो भैया दीदी देखा कर्तव्य करो से सब दुख हल हो सारे दुख हल हो जो भी कष्ट परेशानी हो दुख जरूर हल होगी, बाकी तन मन धन से सब कोई के ध्यान करे से जरूर जो मन में सोची थे दिल में जरूर पूर्ति होगी, कोई भी कष्ट परेशानी आई जरूर महादेव श्री गुरु दया कर ही, तो भैया दीदी इतना ही करना है तीन सूत्रों के बारे पहला में दया मांगना है दूसरा में चर्चा तीसरा में 108 बार का नमो शिव जाप करना है, इतना ही मैंने ध्यान करना है भैया दीदी सब कोई के इतना ही करना है तो कुछ भी कष्ट आई कुछ भी परेशानी आई जरूर हल हुई, चाहे की अगले एक गुरु बहन में चर्चा दे लीलावती गुरु बहन में अभी चर्चा दे देखा भैया दीदी कि काल परसों दिन मोर एगो
प्रभु है अपना बेचैन रहे आयो सके मां सके की वो पलट हो गए है आयो वही लगते दया नमन करते करते अभी चाचा नहीं देखा भैया दीदी सभी को सुनने जाने में उपाय लीलावती गुरु बहन चाचा की आज बता थे कि नहीं बढ़िया प्रभु चरण साथ और बहुत मुख्य में खुशी से आए के जहाँ पटना बढ़िया चर्चा दे चर्चा रोटिया तो भैया दीदी तन मन धन से ध्यान करे से बहुत महादेव शिव गुरु दया करे इतना ही दया पर ध्यान करना है। तो भैया दीदी इतने तो मोर चर्चा रहे और मोर चर्चा के वाणी के विराम देखू विराम करत हूँ और शिव गुरु महेश्वर के बार बार प्रणाम करता हूँ सदैव भैया दीदी के चरणों से प्रणाम करत हूँ घर घर परिवार घर परिवार में लोग लक्ष्मी में जय घोष सबको मिलकर लगा दो गुरु बहन गुरु बहना मिल के उल्टा है एक सोच रोज दिन बना दे खत्म बाकी।